जशपुर जिला पुलिस के चार थाना व चौकी की संयुक्त टीम ने विभिन्न जगहों पर रात भर कड़ी चेकिंग पॉइंट लगाकर पशु तस्करों का पीछा कर 11 गौवंश को बरामद करने में सफलता पाई। पुलिस के भारी दबाव में आकर पशुओं से भरे पिकअप को तस्कर ग्राम जुमई केला के खेत में उतार कर फरार हो गए। पुलिस ने 11 नग गौवंश जब्त किया, साथ ही तस्करी प्रयुक्त पिकअप वाहन कीमत 10 लाख रुपए को जब्त कर अज्ञात तस्करों का डिटेल खंगालना पुलिस ने शुरू किया। एसपी शशि मोहन ने फरार पशु तस्करों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। जशपुर ज़िले में जो मवेशी तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसी कड़ी में पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि झारखंड के कुछ लोग यहाँ से हमारे ज़िले को रास्ते का यूज़ करते हुए उधर मवेशियों को ले जा रहे हैं। इस पे हमारे चार थानों की अलग अलग टीम को अलग अलग जगह पर लगाया गया था, जिसमें कुनकुरी, धोकड़ा, कांसाबेल और तपकरा, और चारों टीम लगातार इनका पीछा करती रही। और एक जगह बैरिकेड्स को देखे तो ये दूसरी तरफ भागे, फिर वहाँ उनको दूसरी पार्टी मिली, और इसी दौड़ाभागी में अंततः आरोपियों को पुलिस ने गाड़ी के पास जब पहुँचे तो हालांकि आरोपी भागने में सफल हो गए, लेकिन गाड़ी और 11 की संख्या में गौवंश को वहाँ पे रेस्क्यू किया गया। उनके खिलाफ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और ये जो गाड़ी बरामद हुई है, इसके राजसात की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और जो आरोपी भगे हैं, पूर्व में भी इनके यही तरीका वारदात रहा है, लेकिन हम अंततः आरोपी को पकड़ के लाते हैं, इस आरोपी को भी ले आएंगे, और ये हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा।